सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब डिजिटल क्रिएटर का दौर शुरू हो गया है और इसको देखते हुए अब सिर्फ भारत के अलग अलग कोनों से नहीं, झारखंड और रांची से भी कई ऐसे डिजिटल क्रिएटर निकलकर सामने आ रहे हैं जो एक उदाहरण साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए उदाहरण साबित हो रहे हैं जो इस डिजिटल दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं ये, इनका नाम नेहा है और इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी काफ़ी पॉपुलर है, योर क्यू नेहा के नाम से इनकी आईडी है और हजारों फॉलोवर कहें तो 80-90 हज़ार फॉलोवर्स है नेहा की। तो आज नेहा रांची में है, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो नेहा, आपकी आईडी जो है यूथ में काफ़ी पॉपुलर है, आप कुछ भी डालते हैं, चाहे रील्स डालें, फ़ोटो डालें, पल भर में वो 1000 व्यूज़ और बहुत ज़्यादा आगे वायरल भी चला जाता है, कैसा लगता है अब आपको? ऐसे हम शो ऑफ के लिए नहीं बनाते हैं, मतलब होता है ना अपना दिलचस्पी के लिए, जैसे भैया मोटिवेट करने के लिए जैसे ग्राउंड जाते हैं तो फिर वीडियो बना के डाल दिए, तो फिर अपने लिए नहीं बनाते, मतलब दूसरों को कि हमको देख के मोटिवेट हो इसलिए बनाते हैं। अब तो स्पोर्ट्समैन। हाँ जी। क्या खेलती हैं? वॉलीबॉल। हाँ वॉलीबॉल खेलते हैं और इस बार ही यूथ नेशनल खेलने गए थे और 22 तारीख को मध्य प्रदेश गए हुए थे और 22 तारीख को झारखंड आए। देखे रील्स में आप वो इंस्टाग्राम में अपना मध्य प्रदेश का पूरा विजिट आप डाल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग का स्वागत किया गया, पूरा बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर, वहाँ का सारा सेटअप बहुत ही अच्छा था। तो इंस्टाग्राम में डिजिटल क्रिएटर बनने का दिमाग में कैसे है? होता है ना कि सब कोई तो इंस्टाग्राम चलाता है, तो हम पहले से ही चलाते थे पर स्पोर्ट में हल्के फुल्के चलाते थे, फिर बाद में हम स्पोर्ट में उतरे तो हमको लगा नहीं यार मेरा भी कुछ पर्सनल होना चाहिए कि हाँ जैसे डांसर लोग डांस करके मतलब डालता है, क्रिएटर लोग क्रिएटर करके डालता है, तो हम भी सोचे भाई अपना ही डालते हैं क्योंकि अपना भी कुछ होता है, इसलिए हम सोचे स्पोर्ट वाला डालते हैं। उसके बाद में झारखंड में हमको लगता है कि अगर लाइमलाइट वाले स्पोर्ट्समैन को छोड़ दें, चाहे वो धोनी हो और भी जो है उनको छोड़ दें, तो पहले स्पोर्ट्समैन आप होंगे जिनका इंस्टाग्राम में आईडी इतना ज़्यादा पॉपुलर। हाँ जी जी जरूर। हाँ तो स्पॉन्सर्स के लिए भी आता होगा? नहीं, हम उस सब में दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं भाई, अपना लाइफ है तो फिर उस फील्ड में हम नहीं जाना चाहते हैं ना, हम स्पोर्ट फील्ड में हैं तो वही फील्ड में रहना चाहते हैं, उस फील्ड में मेरा कुछ काम नहीं है, बस कभी कभी आ जाते हैं जैसे आ जाए। काफ़ी स्पोर्ट्समैन आपको देख के जो है मोटिवेट भी होते होंगे? मोटिवेट होते हैं, हमको खुद बहुत कोई बोले कि आप अच्छा, मतलब बहुत कुछ हमको मतलब होता है ना लाइक दूसरा कोई बोलता है इंस्टा में कि आप बहुत ही अच्छा, मेरा तारीफ किया जाता है और मोटिवेट भी होते हैं बहुत कोई। घर वाले लोग इंस्टा को लेकर क्या बोलते हैं? मेरे घर में उतना इंस्टा को देखते ही नहीं, मेरा इंस्टा को नहीं बस मेरी बहन देखती है और मेरे भैया बोलते हैं कि तुम यूट्यूब खोल लो यूट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना शौक के लिए करते हैं, दूसरा लोग के लिए करते हैं, बस मोटिवेट करने के लिए करते हैं, जो है वही करते हैं। अच्छा, जो नए युवा हैं जो अभी नया इंस्टाग्राम खोल रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो आगे बढ़े? हम यही बोलेंगे उन लोगों को कि जिस फील्ड से हो वही फील्ड में बनाओ, ना कि मतलब वो कर रहा है नहीं उसका देख के नहीं, जो फील्ड तुमको जो दिलचस्पी लगता है, जो चीज़ में तुमको अच्छा लगता है बस वही चीज़ लेके अपना आगे बढ़ो, और हम चाहते हैं झारखंड के लोग आगे बढ़े और कुछ करें। वैसे कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची में हम रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, बाय द वे मेरा घर मुड़मा है। हाँ रांची के नज़दीक है, रांची से 25 किलोमीटर दूर। तो आगे और कुछ सोचे हैं अपने प्रोफाइल को और कितना ज़्यादा आगे लेकर जाना है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना है? हाँ अब देखिए मेरा आईडी को और आगे देखिए, हम बनाते रहेंगे हमेशा। फेसबुक वगैरह पे भी आने? फेसबुक पे तो अभी सोचे नहीं है क्योंकि हम बस इंस्टाग्राम में बस वीडियो डालते हैं बस अपने लिए कि हमको अच्छा लगे देख के और दूसरा लोग मोटिवेट हो, ये सोच के नहीं कि हमको फेमस होना है, ये सोच के हम नहीं डालते हैं। इसलिए नेहा का जिस तरह से चार्मिंग फेस है, इसका इनके रील्स को देखकर लोग भी इसी तरह से चार्म करते हैं और स्माइल करते हैं और कहें तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है इनके रील्स को देखने के बाद। टेंस लाइफ में लोग अगर एक स्क्रॉल करके रील्स देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं
हर लोगों का जो समय है आजकल रील्स पे ही स्क्रॉल कर कर बीत रहा है, और इस बीच जो है कई ऐसे डिजिटल क्रिएटर हैं वो भी अब झारखंड से उभर कर सामने आ रहे हैं जो अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम इस तरह के और भी डिजिटल क्रिएटर से आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। तब तक के लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।